हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ही आसान काम करना चाहते हैं, तो आज एक आसान सा काम बताने जा रही हूँ जिसे करके आप लोग रोज़ाना 1100 से 2200 रुपए तक कमा सकते हो। काम इतना आसान है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ है, 100% रियल ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म बताऊँगी, और साथ में मज़ेदार और ज़बरदस्ती बात यह है जो आप हमेशा चाहते हैं कि विड्रो जो हो आपके इजी पैसा में हो, तो आप इजी पैसा, जेस कैश, अपने प्योनीर और चाहे तो बैंक के अकाउंट से भी अपना विड्रो ले सकते हैं। इतना ज़बरदस्ती वीडियो और जितना मुझे आता है पूरा आपको सिखाऊंगी, तो चलें मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। मैं हूँ जुनाश, यूट्यूब की दुनिया में खुश आमदीद। जी व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है स्पेशली उन मेरी सिस्टर्स, उन मेरी बहनों के लिए है जो मोस्टली हाउस वाइफ हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो घर बैठ के अपने घर को रन कर रही हैं, अपने घर को चला रही हैं, और मेरी वो सिस्टर जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, ख़ुद को प्रूव करना चाहती हैं। और आज स्पेशली मैं उन सबको यहाँ पे इनवाइट करूँगी कि वो यहाँ पर आके यहाँ से सीखें और फिर खुद को सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, और साथ में फिर जो देखने वाले हैं सभी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। 100% ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, 100% आप जो है यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, गारंटी है मेरी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी जो बच्चों वाली शीट्स होती हैं ना, वही जो केजी और नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आती हैं, वो वाली शीट्स बनानी है, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे सब कुछ हो जाता है। शीट्स कैसे बनेगी A to Z बताऊँगी, आप लोगों ने जाने के परेशान नहीं होना कि हमें तो कुछ भी नहीं पता। आप ये सारा काम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो, और चाहो तो अपनी लैपटॉप या पीसी पे भी कर सकते हो। बहुत ही ईजी और आसान सा काम है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और साथ में दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर आप लोगों ने क्लिक करना है, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्ती वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ। जी व्यूअर्स, तो चलते हैं फिर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ काम को सीखने के लिए। यहाँ मैं जैसे अपने लैपटॉप पे आ जाती हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आ जाना है जी गूगल में। गूगल में आने के बाद आपको जाना है कैनवा में, ठीक है। कैनवा जो है दुनिया का नंबर वन टॉप वेबसाइट है, मेरे ख्याल में इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, जो पहला काम मैं आपको बता रही हूँ वो है जी, यहाँ पर लिखना है मैथ शीट्स, ठीक है। क्या लिखना है? मैथ शीट्स। यहाँ पर जो सर्च बार इसका, यहाँ पर मैथ क्लिक कर दीजिएगा, रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और इतना आसान काम है ना कि कोई भी कर सकता है, कोई भी, मोस्टली इसे स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको जो है ना ये शीट्स नज़र आएंगी, जो कि बड़ी ज़बरदस्ती हैं, बेहतरीन सी हैं, तो आपके सामने है ये। अब करना क्या है, किस तरीके से क्या काम है, थोड़ा सा अगर आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। जो मैथ्स की शीट्स हैं इस तरह से बच्चों को पढ़ाने के, समझाने के लिए काम आती हैं, ठीक है। और इस पर बड़ा अच्छा खासा आप लोग जो है ना इस तरह की शीट्स बना के अर्न करने वाले हैं, कि दिन में आप लोग जो हैं डेली 1100 से 2200 रुपए तक कमा सकते हैं, ठीक है। और महीना आप हिसाब लगा लें तो कितना अच्छा बनता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे काम क्या है, शीट्स किस टाइप की हैं, आप देखें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली चेक कर लें, ठीक है। जैसे एक ये है, ठीक है, टाइम्स टेबल चैलेंज है, इसको देख लें आप लोग। इसके अलावा आपको बहुत सारी मिल जाती हैं शीट, यहाँ पर मैथमेटिक्स की शीट्स होंगी ज़बरदस्ती, वो आप लोगों ने कोई भी एक ले लेनी है। अब देखें आपको इस तरह की एक शीट जो है नज़र आ रही है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको यहाँ पे जो है ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे यूज़ करने जाऊँगी तो यहाँ पर ये पैसे मांगेगा, क्योंकि ये प्रो है। अब मुझे क्या करना है, मैं इस तरह की ही एक जो है अपनी जो है शीट बनाना चाहूँगी, क्योंकि मोस्टली जब मुझे कस्टमर ऑर्डर करता है या कोई कहता है तो किस तरह से शीट बनाएंगे, तो ये शीट बनाना मैं आपको सिखा देती हूँ, बहुत आसान, साइड करके रखते हैं ताकि हम इस तरह की ही एक शीट जो है वो बना सकें। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ और मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ। तो कितना आसान है इस तरह की शीट्स को बनाना, आप सिंपल यहाँ आ गए, और यहाँ आकर आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने कोई भी एक ब्लैंक शीट जो है वो ले लेनी, क्योंकि अब आप अपनी शीट बनाने जा रहे हो, क्रिएट करने जा रहे हो, तो आप लोगों ने खाली ब्लैंक शीट लेनी है। इसको मैं थोड़ा सा ज़ूम कर लेती हूँ यहाँ से, ये इस तरह से आप जूम करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब पहला हमारा क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी फॉलो करेंगे, इसको देख के हम लोगों ने इस तरह की शीट जो बनानी है, पहले हमारे पास हेडिंग आ रही है फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाले सारे स्टेप्स आपने गौर से देखने हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन हो गया, यहाँ पर आकर जो 8 है हेडिंग है, अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं, अदरवाइज़ आपके पास ये बने बनाए बहुत सारे स्टाइल्स पड़े हुए हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला है, ये है, बड़े खूबसूरत ज़बरदस्त है, यहाँ पर ना टैम्पलेट्स पड़े होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने जो है यहाँ पर। सपोज मैं ये ग्लो वाला है, इसको सिलेक्ट करूँगी, सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करूँगी इसे, यहाँ पे ग्लो लिखा हुआ है लेकिन हमें तो कुछ और लिखना है, तो मैं क्या करूँगी फिर इसको डबल क्लिक करूँगी। जैसे अब मैं डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ पर लिखना है मुझे फिल इन दी
लेंग्थ्स कर दिया मैंने। ये तो काफ़ी जो है साइज़ बड़ी है इसकी, तो मुझे इसको थोड़ा सा ना सेट करना है, छोटा करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे यूँ इस तरीके से, क्योंकि मुझे इसको एडजस्ट करना है ना इस तरीके से। मैं कर देती हूँ और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सेट करूँगी, इसको मुझे छोटा करना है, ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ से चाहें तो इसकी फॉन्ट्स की साइज़ आप चेंज कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। सपोज़ मुझे ये चाहिए कितना 70 कर देती हूँ मैं। अब आप चाहें तो इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पर आके मैं इसे ब्लैक कर देती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से करके आप मज़ीद इसे खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आप कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, फिर उसको देखते हैं शीट को। यहाँ पर ये है, आप जो है नेम वगैरह जो है और क्लास इसको एड हम कर देते हैं। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ सपोज़ मैं आ जाती हूँ नेम पर, तो यहाँ पर मुझे मिलता है जी यहाँ पर एड सब हेडिंग, तो इसको मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पर आकर इसको डबल क्लिक करूँगी। तो वही आप लोगों ने नेम लिखना है, देन इस तरीके और थोड़े से डॉट देने हैं, डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। अब इसको जो है ना इसका साइज़ थोड़ा कम करना है। कैसे करेंगे साइज़ को कम, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर आप लोगों ने इसे छोटा सा करना है, जैसे ये हल्का सा बस नज़र आए। इसका मैं साइज़ रख देती हूँ 20। ये करने के बाद मैं इसे यहाँ से हटा के यहाँ पर रख दूँगी। देन यही चीज़ मैं यहीं से कॉपी करूँगी ये, और यहाँ पर आके पेस्ट करती हूँ। अब आपने जितना साइज़ उसका रखा था इसका भी उतना ही रखेंगे, इसे डबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर इसकी जो है मैंने 20 रखी हुई है फॉन्ट साइज़, तो यहाँ पर आप इसकी भी 20 रख देंगे, ठीक है। बहुत आसान है इस तरीके से आप करके इसको यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो पहला वाला पार्ट है वो ओके होके रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने यहाँ पर काम क्या करना है वो बता देती हूँ कि 24 में से माइनस करते हैं तो 11 बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनाना है तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर 24 प्लस थोड़ा चेंज करते हैं ना, थे 24 प्लस, ठीक है। उसके बाद हम ये लाइन लेंगे इक्वल टू, यानी कि ये है कि 24 में हम लोग प्लस करते हैं क्या, ताकि ये बने 32। इसको फॉलो करना है इस तरीके से, मतलब छोटे छोटे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखने हैं जिसे जो है अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए एक बात बता दूं कि बच्चों के लिए आप शीट बना रहे हैं तो सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें, क्योंकि बच्चों को बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लगता है, ज़बरदस्त लगता है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिंपली इसको जो है यहाँ पर क्लिक करूँगी। बच्चों को ना ये पिंक कलर जो है बड़ा पसंद आता है, स्पेशली गर्ल्स को ना, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सेंटर पर रखते हैं इस तरीके से, आप हो गया। अब आपका ये पहला क्वेश्चन जो है वो रेडी है, छोटे छोटे से सवाल बनाने, क्वेश्चन बनाने, इसी को कॉपी करना है। कैसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट किया, ये डॉट्स वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको दबाएंगे तो यहाँ आप कॉपी स्टाइल करेंगे और फिर नीचे आएंगे और यहाँ आकर आप लोगों ने पास करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक टिप दे दी जाऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा बता दी जाऊँ कि आप लोगों ने बार बार इस तरह से अलाइनमेंट नहीं करनी, चेंजिंग नहीं करनी, लिखना नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के कंट्रोल सी, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर करना है कंट्रोल वी, ये देखें ये हो गया, ये कंट्रोल सी, फिर मैं एक और कर देती हूँ कंट्रोल वी। इस तरीके से आप लोगों ने कॉपी और पेस्ट करना है, यहाँ पे आएंगे फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, ये चेक कर लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन सवालों को चेंज करना है। डिस्टेंस भी आप लोगों ने बिल्कुल इक्वल रखने हैं, ऐसे रखने हैं यानी कि ये प्रोफेशनल लगे और ज़बरदस्त सा लगे। अब मुझे मज़ीद इसे प्रोफेशनल और ज़बरदस्त सा बनाना है, तो क्या करूँगी मैं, यहाँ पर देखें इस ये शीट देखें थोड़ी डिफरेंट है, इसको मैंने बनाया है अपने हिसाब से थोड़ा डिफरेंट करके। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मुझे एक पिक्चर चाहिए, ठीक है, क्यूट सी प्यारी सी पिक्चर चाहिए, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है। तो यहाँ मैं आ जाऊँगी गूगल में, यहाँ पर मैं लिखूँगी चिल्ड्रन राइटिंग रिटन कार्टून। तो ये करने के बाद ये चेक करें आपके पास कितने खूबसूरत ज़बरदस्त से कार्टून्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जो अच्छा लगता है आप उठा लें, जैसे सपोज़ करें कि ये है, ये भी उठा सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा ये है, इसको भी उठा सकते हैं आप। पिक्चर आपके सामने है जो कि बड़ी खूबसूरत ज़बरदस्त लग रही है, क्यूट सी, बच्चों को इस तरह से चीज़ें ना अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर रख सकते हैं, ये देखें, और इसको आप सपोज़ करें इसे यहाँ पे कॉपी करके यहाँ से भी रख सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, तो ये आ गया। अब इसका फेस जो है हमें इस तरफ करना है थोड़ा सा, तो वो कैसे करेंगे, तो इसकी फ्लिप करेंगे। जैसे ही आपके सामने मैं फ्लिप करती हूँ तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो फेस है आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखें, पूरी शीट जो है बन गई है। बन के क्या करना है, सिंपली ये शेयर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन नज़र आता है डाउनलोड का, उसको क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको एक जो ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, इसको कर दीजिए, ठीक है, सिस्टम में आ जाएगी। इसका फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर आपको, ये देखें कितनी ज़बरदस्ती और बेहतरीन सी लग रही है, जैसे आपने इसे रेडी किया है, बना लिया है। तो इस तरह से आप बहुत सारी जो शीट्स हैं बना सकते हैं। जो अब इस शीट का करना क्या है, आप लोगों ने ये बना लिया, आपको आ गया काम करना, आपने सीख ली शीट बनाना। अब मैं आपको बताती हूँ एक अथेंटिक और ज़बरदस्त सा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको 100% गारंटी के साथ काम मिलेगा। इसके लिए आपने सिंपल सा आ जाना है कहाँ पर, फाइवर, ठीक है। फाइवर पर आप जैसे आते हैं तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्या लिख, मैथ
शीट्स। तो पहले रिजल्ट देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करना है कि यहाँ पे काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, चेक दिस। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि 32 सर्विसेज अवेलेबल, सिर्फ 32, यानी कि इतने छोटे से बच्चों वाले काम के आपको जो है यहाँ पे कितने सारे पैसे मिल रहे हैं वो आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, आप लोगों ने अभी ये बेस्ट टाइम है कि यहाँ पर आप एंट्री ले लो, यहाँ पर आ जाओ और अपनी गिग बना लो और इस काम को स्टार्ट कर लो, क्योंकि जब यहाँ पे रीच बढ़ेगी, लोगों को इसका पता चलेगा, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे ज़बरदस्ती अर्निंग कर सकते हो, दिन के आपको 1100 से 2200 रुपये तक जो मिल रहे हैं, कैसे वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप आते हैं तो ये चेक कर लें, यही यहाँ पर जो है इस तरह से शीट बनाए, अभी मैंने आपको जो शीट बना के दिखाई है क्या वो इस तरह की नहीं थी, इस तरह आप इस तरह की शीट्स नहीं बना सकते। ये देखें मैंने आपको किस तरह से डिज़ाइन करके दिए, तो ये 7500 रुपये हमसे इस शीट बनाने के ले रहे हैं। ठीक है, साथ में बाद में अगर आपको दूसरी गिग दिखा देती हूँ तो ये चेक कर लें। ये ऐसा ही काम है जो अभी आपको मैंने सिखाया है, व्यूवर्स आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती इसलिए हूँ सारी चीज़ें कि आप लोगों को कंफर्म हो कि हाँ लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं। ये देखें क्या ये शीट डिफ़िकल्ट है, आप नहीं बना सकते, तो यहाँ पर ये देखें यहाँ पे 3000 रुपये आपसे यहाँ पर इस काम के जो है चार्ज किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये लोग जो है इस तरह से सर्विसेज देखें इतना अच्छा खासा कमा रहे हैं। ठीक है, और मज़ीद दिखा दूँ आपको तो ये चेक कर रहे हैं, ज़रा बिल्कुल बच्चों वाले काम है, बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये देख लें ज़रा क्या है इसमें, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, चाहें गूगल से लें, गूगल के बाद पिक्चर ले ली, ऐड कर ली, यहाँ पर बीच में नाम लिखने और ये रेडी हो गए। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की शीट बनाने के आपको 3000 रुपये यहाँ से ये ले रहे हैं आपसे। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन सा काम है, आप ज़रूर कर सकते हो क्योंकि बहुत आसान काम है। आप जो काम मैंने अभी आपको सिखाया है सेम वही काम है। आप लोगों ने ये यहाँ पे जो है अभी आपके पास टाइम है क्योंकि यहाँ पर आपको सर्विसेज दिखाई है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, तो जाएं जल्दी से अपना जो है अकाउंट बनाएं। फाइवर का अकाउंट नहीं बनाना आता तो मैंने ऊपर लिंक में दे दूंगी, वहाँ पे जाकर आप जो है एज अ टेस्ट फाइवर का अकाउंट क्रिएट करें, देन डिग्री बनाने के बाद अपना काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा नहीं तो एक महीना सिर्फ मेरे कहने पर इस स्किल पर काम करके देखो और देखो कि ऑर्डर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, काम मिलते हैं या नहीं, और फिर आप दिन के अच्छे खासे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। स्पेशली मेरी सिस्टर जो मैसेजेस करती हैं, ईमेल्स करती हैं कि सिस्टर को ही ऐसा काम बता देंगे, दिन के अगर हमें 400 से 500 भी मिल जाते हैं तो बहुत ही है। स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, तो कहीं चेक कर लें। उम्मीद है आपको ये ज़बरदस्त बेहतरीन सी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी, तब तक क्या करना है आपने, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।